हाय गाइस, नमस्कार। मैं दुर्गेश अपने यूट्यूब चैनल दुर्गेश ट्रिक पे आपका स्वागत करता हूँ। मैं आपको आज बताने वाला हूँ टू डिजिट मल्टीप्लाई मात्र 2 सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं। वो मैं बताऊंगा रेखा की मदद से। रेखा वो वाली रेखा नहीं जो आप सोच रहे हैं, रेखा इसकी यानी कि लाइन की सहायता से ऐसे मैं बताऊंगा। जैसे एक एग्जाम्पल मान लीजिए, देख लीजिए 22 × 23 बिल्कुल आसान तरीके से। जी हाँ, मात्र इसी तरह आप देखते ही क्वेश्चन को सॉल्व करें, इसका आएगा 500। चलिए आइए तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे उदाहरण के लिए मैं ले रहा हूं, जैसे 22 × 23 का मल्टीप्लाई करना है, क्या करेंगे? सर्वप्रथम इधर से इस साइड से चलेंगे, ये 3 दिया है, 3 लाइन खींचेंगे, फिर 2 दिया है, 2 लाइन यहां पे खींचेंगे, फिर यहां पे इस वाले डिजिट को यहां पर लिखेंगे, लाइन खींचेंगे 2 जितना दिया 2, फिर ये 2 दिया है, 2 यहां पे खींचेंगे। अब यहां पे ये कितनी जगहों पे काट रहा है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 लिख देंगे। फिर यहां पे जो दिया रहेगा इसको ऐड कर देंगे बीच वाले संख्या को, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 को 0 हो जाएगा, कैरी यहां पे आ जाएगी। फिर ये वाली कितनी संख्या कितने जगह काट रहा है, 1, 2, 3, 4 एक ये कैरी 5, यही आंसर हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, यही हम लोगों का आंसर है। मात्र मैं इसको समझाने में टाइम ले रहा हूं, आप देखते हैं क्वेश्चन सॉल्व करके। जैसे ले लीजिए 14 × 21, पहले ये वाली लाइन इस तरह खींच दीजिए, फिर ये वाली लाइन यहां पर नीचे खींच दीजिए। 2 संख्या दिया है, 2 यहां पे 2 नंबर दिया है, 2 लाइन यहां पे, 4 नंबर दिया है, 4 लाइन यहां पे, यहां पे 1 नंबर दिया है, 1 लाइन। अब इस वाले को काउंट करेंगे, लिख देंगे 4 जगह काटा है, कितने जगह काट रहा है। फिर इसके बाद इस वाले को ऐड करेंगे, एक जगह यहां पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 यहां पे 9 हो जाएगा, यहां पर कितने जगह 2, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब आते हैं अगले मल्टीप्लाई के। जैसे कि कोई क्वेश्चन है, मान लीजिए 88 × 98 आ गया, ये देखना है इसमें 100 के करीब कितना है, 88 है, 100 के कितना करीब है, इसमें 12 कम है 100 के, इसमें 2 कम है, क्लियर? बोलिए इसमें जो है कि 12, इसमें 12 कम है, इसमें 2 कम है, तो इसको इसमें से घटा देंगे, कितना आ जाएगा 86, और इसका इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 12 × 24 हो जाएगा, यहां पे 24 लिख देंगे, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब आज ही जैसे कोई और संख्या ले लीजिए, ७८ × ९७, ये देखें आज 100 की कितना पास है, यह 22 कम है, इसमें लिख दे रहे हैं यहां पर, इसमें कितना कम है 3, अब इसको 3 कम है यहां पे, अब इसमें से इसको घटा दीजिए या इसमें से इसको घटा दीजिए, किसी में से घटा सकते हैं, घटा कर लिख दीजिए, इसमें से इसको घटाएंगे कितना आएगा 75, और इसका इसमें मल्टीप्लाई करके यहां पर लिख दीजिए 22 × 66, ये हमारा आंसर, हमारा यही आंसर हो जाएगा। मैं आशा करता हूं आपको लगाने में बहुत मजा आता होगा। मैं एक उदाहरण और लेता हूं, इसमें 100 कितना पास है, इसमें -4 कम है, इसमें -2 कम है, अब तिर्यक घटा देंगे या इसमें से इसको घटा दीजिए, इसमें से इसको घटा दीजिए, इसमें से इसको घटा देंगे 94 मल्टीप्लाई कर देंगे 4 × 8 08 लगा, 0 के साथ 1 डिजिट रहेगा तो वहां पे 0 लगा देंगे। देखिए मात्र 2 सेकंड में क्वेश्चन को आप सॉल्व कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कितने आसान तरीके से कर दे रहे हैं। आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, अतः हमारे चैनल को सब्सक्राइब शेयर एंड कमेंट करें। धन्यवाद।